बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई और बहनों, आज जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन है। आज के दिन अल्लाह से खूब दुआएं मांगें, अल्लाह को अपने खूब दुखड़े सुनाएं, क्यों कि जुमातुल मुबारक के दिन अल्लाह अहले ईमान की दुआएं बड़ी जल्द कबूल फरमा लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज के दिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गम परेशानी है या कोई हाजत या दुआ आप चाहते हैं पूरी हो जाए, तो एक कुरान का लफ्ज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मेरे भाई और बहनों, वो कुरान का लफ्ज़ है या रहमानू, या रहमानू। मेरे भाई और बहनों, जब कोई बंदा या रहमानू कहकर अल्लाह को पुकारता है, तो मेरे रब की रहमत को जोश आता है और उस बंदे पर अल्लाह की ख़ास रहमतें होती हैं। फिर उसकी ज़िंदगी के तमाम मसले हल हो जाते हैं। या रहमानू, इस लफ्ज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो भी आपका मसला है उसे जहन में रख लें और चलते फिरते दिल के साथ आज का दिन हज़ारों में इस लफ्ज़ को पढ़ें। या रहमानू, या रहमानू, अल्लाह रहम फरमा दे, मुझे औलाद की नेमत दे दे। अल्लाह रहमत फरमा दे, मुझे घर दे दे। अल्लाह रहम फरमा दे, मुझे माल और दौलत अता फरमा। अल्लाह रहम फरमा, मेरी बीमारियों को दूर फरमा। अल्लाह रहम फरमा, मेरे गमों और परेशानियों को दूर फरमा। बस या रहमानू, जो आपका मसला है उसे जहन में रख कर पढ़ते रहें। चंद दिन, चंद हफ्ते डट कर आप इस लफ्ज़ को दिल के साथ और आराम आराम से पढ़ें। दुनिया का बड़े से बड़ा मसला आपके सामने इंशाल्लाह हल हो जाएगा और बड़ी से बड़ी दुआ आपकी इंशाल्लाह या रहमानू पढ़ने से रब रहमान पूरी कर देगा। इस लफ्ज़ को याद से पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़िएगा, आपकी हर हाजत इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आखिर में दुआ है रब्बुल आलमीन से उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए दिल से जो कमेंट्स में दुआ का कहते हैं, जो नहीं भी कहते। ऐ रब्बे काबा, हर इंसान के हर गम और परेशानी को दूर फरमा दीजिए। आमीन, आमीन।